मजदूर वाणी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का मैं नीतू शर्मा स्वागत करती हूं। दिल्ली के नांगलोई इलाके में स्थित एक घर में एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से एक मकान ढह गया, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को पुलिस और डीएफएस के दमकल कर्मी की मदद से निकाला गया। यह घटना नांगलोई रोड के कुंवर सिंह नगर की गली नंबर 10 के डी ब्लॉक में की बताई जा रही है। मौके पर पहुंची टीम के सदस्य ने बताया कि ज्वलपुरी इलाके में एलपीजी सिलेंडर के विस्फोट के बाद इमारत गिरने की जानकारी सोमवार सुबह पीसीआर कॉल पर मिली। कॉलर ने बताया कि दिल्ली के ज्वलपुरी इलाके में एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट से एक इमारत गिर गई है और हादसे में 8 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंचे डीएफएस कर्मी और लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया है, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। वही दूसरी ओर टैगोर गार्डन स्थित नगर में एक इमारत के गिरने से आग लग गई। बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि इमारत के बराबर वाले प्लॉट के बेसमेंट में खुदाई का काम चल रहा था, इसी दौरान बिल्डिंग ढह गई। दिल्ली की इन दोनों घटनाओं पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक पत्रकार के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, दोनों ही हादसे दुखद है। दोनों इलाके के जिला प्रशासन राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं। रेस्क्यू टीम से हम लगातार संपर्क में हैं। प्रभु से सबकी कुशलता की कामना करता हूं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।